हेलो फ्रेंड्स मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल बटन को हिट करिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपकी कोई क्योरीज है और आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों मित्रों परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करिए जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनको लाभ प्राप्त हो सके तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है पेज इंडस्ट्रीज तो पेज इंडस्ट्रीज कंपनी क्या करती है ये सब भी चीजें आप जानने वाले हैं तो आप हैं जॉकी की वेबसाइट में तो क्योंकि जॉकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पेज इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी मार्केटिंग करती है तो आप अब अपनी स्क्रीन पर जो भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ये प्रोडक्ट्स जॉकी ब्रांड के हैं लेकिन ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो कंपनी इसकी मार्केटिंग करती है वो पेज इंडस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर्ड है तो जब आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान जाएंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान जाएंगे तो इसके स्टॉक इस के बारे में भी समझ जाएंगे कि ये इस स्टॉक क्यों इतनी तरक्की कर रहा है इसके फाइनेंशियल क्यों इतने मजबूत हैं क्यों इस कंपनी इतना प्रॉफिट बुक कर रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इस ये अपने अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है तो सबसे पहले आप इस इसकी प्रोडक्ट्स जॉकी के बारे में जानेंगे इसके बाद हम इसके स्टॉक इस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे तो ये देखिए आपके सामने है जॉकी की वेबसाइट्स और ये आ, मेंस वुमेन्स और किड्स के गारमेंट्स तैयार करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल करते हैं और इनके सभी जो गारमेंट्स हैं लग्जरी ब्रांड्स के अंतर्गत आते हैं यह है इनकी वेबसाइट यह है इनके कुछ जॉकी वुमेन प्रोडक्ट्स लाइक ब्रा कलेक्शन दे सेल ब्रा कलेक्शन लेडीज अंडर गारमेंट्स सेल करते हैं ये सभी इनके प्रोडक्ट लिस्ट है ये अपने सभी प्रोडक्ट्स का एड देते हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो ये लेडीज अंडर गारमेंट्स हैं इनके जो हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप देख पा रहे हैं ब्रा मैजिक अंडर कप ब्रा लॉन्च ब्रा स्लीव ब्रा प्लस साइज ब्रा और सभी प्रकार के ये प्रोडक्ट्स जो हैं सेल करते हैं पैंटीज लिपसेट्स है, ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल करते हैं कई इनके आइटम्स हैं आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं आप इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इसी वेबसाइट के माध्यम से बाय कर सकते हैं स्टोर लोकेट कर सकते हैं स्टोर में भी जाकर खरीद सकते हैं और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जूनियर्स के लिए भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जूनियर्स के प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली ये अंडर गारमेंट्स ही बनाते हैं वूमेंस के कई तरह के इनके पास मटेरियल्स uh, हैं लाइक like कुर्तीज और काफी कॉस्टली uh, भी होते हैं इनके प्रोडक्ट्स मेन्स प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास ये इनके मेंस प्रोडक्ट हैं और जूनियर्स प्रोडक्ट्स भी, है। भी हैं गर्ल्स प्रोडक्ट्स भी हैं जैसा आप देख पा रहे हैं तो कंप्लीट वैरायटी है इनके पास प्रोडक्ट्स की और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से सेल करते हैं चलिए अब हम इसके स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो आप हैं ग्रो की वेबसाइट में और ये पेज स्टेज शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके स्टोर को आपने देख ही लिया है कि ये किस तरह का बिजनेस करते हैं मोस्टली ये अंडर गारमेंट्स सेल करते हैं मेंस, वुमेन्स और जूनियर्स अब मैं इसके कंपनी किस सेक्टर बिलोंग करती है ये एपरल एंड लग्जरी आ, को बिलोंग करती है आज की जो तारीख है 8 जनवरी 2022 है और रात को आठ बजा है मार्केट क्लोज हो चुका है और एक दिन में ही इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है वो है 4.82% परसेंट का वन वीक में इसने शानदार रिटर्न दिया है 9.07% परसेंट का वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में भी इसने 9.07% परसेंट का रिटर्न दिया है क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग 15 डेज पहले निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई इसका इफेक्ट पेज इंडस्ट्रीज पर भी हुआ और ये जो है स्टॉक भी इसमें काफी गिरावट दर्ज की गई थी और रिकवर होने में इसको टाइम लगा इसलिए इसने वंथ मंथ में सिर्फ 9.61 परसेंट का रिटर्न दिया है वन ईयर की बात करें तो वन ईयर में इसने 52.61 परसेंट का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है ये मान लीजिए कि एक साल पहले अगर आप इस स्टॉक में वन लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज या फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज हो गए होते थ्री इयर्स में इसने हंड्रेड परसेंट रिटर्न दिया है इसका मतलब तीन साल में इसने आपके निवेश को दोगुना कर दिया है फाइव फाइव ईयर्स में इसने टू का रिटर्न दिया है इसका मतलब पांच साल में ही इसने आपके धन को साढ़े चार गुना कर दिया है अगर पांच साल पहले आपने इसमें एक लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लगभग होते यह स्टॉक बहुत ही कॉस्टली है फोर्टी फोर थाउजेंड एटी सेवन का एक शेयर है तो इसको सभी लोग तो परचेज नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पेज इंडस्ट्रीज एक ही शेयर आपके लिए काफी है इसके टेक्निकल चार्ट को देखकर मैं बताऊंगा कब इसमें एंट्री करें कब एग्जिट करें कब प्रॉफिट बुक करना है ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी ये देखिए इसकी टू हंड्रेड की लाइन है ये तो जब भी स्टॉक ने टू हंड्रेड को टच किया है ये देखिए टू हंड्रेड को इसने टच किया है तो अच्छी खासी इसमें रैली शुरू हो जाती है और ग्रोथ नजर आती है ये तो 200 है और ये है 50 एम तो ये इस स्टॉक ने 200 हंड्रेड एम को तो कभी टच ही नहीं किया वन ईयर में इसने 200 हंड्रेड एम को टच नहीं किया है लेकिन ये 50 एम को इसने जरूर टच किया है तो जब भी इस स्टॉक 50 एम का सपोर्ट लेता है तो इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है तो देखिए इधर पे इसने 50 एम का सपोर्ट लिया था तो अच्छा बाउंस बैक देखा और इसने अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और फिर यहां पर इसने फिफ्टी एम के आ, सपोर्ट को टच किया फिर इसमें इस अच्छा बाउंस बैक इसमें दिखा है तो फिफ्टी एम का सपोर्ट निकलकर आता है ये थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर तो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर एक अच्छा सपोर्ट है फिफ्टी एम का सपोर्ट है और इसमें हमेशा ये स्टॉक अच्छा बाउंस बैक करते हैं तो अगर इस, इस स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है और अगर आपको ये स्टॉक जो है 39,644 के आसपास मिलता है तो आप इसमें जरूर एंट्री लीजिए और इसके बाद ये इस स्टॉक जो है बाउंस बैक करेगा और उसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं अभी भी आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और गिरावट में भी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं ये स्टॉक मुश्किल से ही 200 सपोर्ट पर आता है तो जो कि मुश्किल है कि उस लेवल तक आप इंतजार करें अब हम आपको पेज इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स बताएंगे तो आ, आज की इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है आज इसने लो बनाया है 42,000 का और हाई बनाया है 44,397 का और हाई बनाने के बाद थोड़ी सी इसमें गिरावट दर्ज की गई है 52 वीक लो जो है इसका 27,000 है और 52 वीक हाई जो है 44,397 का है और इसमें थोड़ी सी ही गिरावट हुई है 52 वीक हाई से मतलब अभी ये लगभग 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहा है अगर ओपन प्राइस की बात करें तो इसका ओपन प्राइस है 42,076.50 प्रीवियस क्लोज है 42,059.55 वॉल्यूम जो है 61,016 है अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है लार्ज कैप कंपनी है और इसमें निवेश करना सुरक्षित होगा आपके लिए वैल्यू जो है टू करोड़ की इसमें आज के दिन ट्रेड हो चुकी है अब एनालिस्ट के एस्टिमेट्स मानते हैं जानने कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट का क्या कहना है तो बाय करने की सलाह जो है 35 परसेंट एनालिस्ट दे रहे हैं होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 30 परसेंट और 35 परसेंट इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं तो इस प्रकार से जो ओवरऑल रेटिंग इसकी बाय निकल कर आती है और 35 फाइव परसेंट एनालिस्ट इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं इस स्टॉक पे ट्वेंटी एनालिस्ट ने अपनी जाँच पड़ताल की है रिसर्च की है और उसके बाद ही इसके फंडामेंटल चेक करने के बाद टेक्निकल चेक करने के बाद ही आपको राय दिए हैं कि आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है फोर्टी सिक्स करोड़ का है और यह एक लार्ज कैप कंपनी है पी रेशो वन है अगर किसी स्टॉक का पी ट्वेंटी .E. से ज्यादा है तो वह महंगा माना जाता है लेकिन इसका पी तो बहुत ही हाई चला गया है 137.74 किसी स्टॉक का पी ज्यादा होने का मतलब ये है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है यह तभी होता है जब स्टॉक की प्राइस अधिक होती है और इस स्टॉक या कंपनी की जो अर्निंग होती है कम होती है तो इनकी अर्निंग तो कम है लेकिन स्टॉक का प्राइस ज्यादा हो गया है तो इससे इनका पी बढ़ गया है तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना अच्छा नहीं माना जाता है जिनका ज्यादा पी होता है लेकिन कुछ स्टॉक हमेशा ज्यादा पी पर ही ट्रेड करते हैं क्योंकि वो अच्छी कंपनी है ग्रोथ कंपनीज हैं और उनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत होते हैं इसलिए कम पी पर ये स्टॉक आपको नहीं मिलते हैं और दिन प्रतिदिन इनका पी बढ़ता ही जाता है पीबी की बात करें तो इसका फिफ्टी है जो कि एक महंगा स्टॉक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक रुपए की चीज जो है फिफ्टी की मिल रही है तो हाई पी पर ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री पी 43.56 का है लेकिन ये पेज इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है 137.74 हंड्रेड थर्टी पर ट्रेड कर रहा है मतलब ये अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है लगभग तीन गुना इसका पी जाता है अपने इंडस्ट्री से रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 39.96 परसेंट जो कि बहुत अच्छी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी भी स्टॉक की 12 परसेंट जाता है तो अच्छी बात माना वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आर 39.96 परसेंट है जो कि बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए ईपीएस जो है 395.11 का है डिविडेंड यील्ड भी 0.83 परसेंट की है अच्छा ग्रोथ स्टॉक है उसके बाद भी आपको डिविडेंड दे रहे हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है 897.57 इस स्टॉक की बुक वैल्यू है जो कि अच्छा है फाइनेंशियल पर नजर डालें तो इनके रेवेन्यू इस प्रकार से हैं सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 740 करोड़ ये सभी फिगर करोड़ में है इस बात को ध्यान रखिए दिसंबर दिसंबर 20 में 927 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया मार्च 21 में 881 जून 21 में इनके रेवेन्यू जो है कम जनरेट हुए हैं फाइव करोड़ का और सेप्टेंबर ट्वेंटी में इन्होंने एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया वन करोड़ का प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था 111 का उसके बाद दिसंबर 20 में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया 154 का मार्च 21 में 116 जून 21 में इनका इनके प्रॉफिट में बहुत कमी आई ये है 10.95 पॉइंट ओनली सितंबर 21 में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है और टॉप किया है प्रॉफिट में 160 करोड़ का तो इस क्वार्टर में इनकी अर्निंग या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ जो है स्टडी है और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकी नेटवर्थ में सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 895 करोड़, मार्च 21 में 885 करोड़ और सितंबर 21 में एक नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने वन करोड़ की नेटवर्थ हो गई है इस क्वार्टर में अब ईयर ऑन ईयर इनकी रेवेन्यू में क्या चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है 2017 में 2130 करोड़ 2018 में 2552 करोड़ 2019 में 2852 करोड़ 2020 में 2945 और 2021 में 2833 करोड़ तो इस साल जो है रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इनको दिख रहा है नंबर्स इनके बहुत अच्छे हैं 2017 में 2266 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है 2018 में 347 करोड़ 2019 में 394 करोड़ और 2020 में ये कोविड टाइम था तो इनकी जो प्रॉफिट है कम हुए हैं 343 और uh, 2021 में 341 के इनको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि अपना सामान जो है ऑनलाइन भी बेचते हैं इसलिए इनके प्रॉफिट में लॉकडाउन के बाद भी गिरावट ज्यादा दर्ज नहीं की गई है नेटवर्थ की बात करें तो 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 666 2018 में 847 करोड़ और 2019 में इनकी नेटवर्थ हो गई 725 करोड़ 2020 में 820 करोड़ और 2021 में इन्होंने 885 का एक रिकॉर्ड नेटवर्थ जनरेट किया है तो फाइनेंशियल इनके बहुत ही मजबूत हैं बहुत ही शानदार कंपनी है और इसमें निवेश करना सुरक्षित हो सकता है अब कंपनी की वेबसाइट में तो आपने देख ही लिया कि ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और किस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है फिर भी एक बार मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो पेज इंडस्ट्रीज के बारे में जॉकी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गार्मेंट्स तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पेज इंडस्ट्री जो है अंडर गारमेंट्स और अदर गारमेंट्स जो बनाती है मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग भी करती है The company offers knitted uh, garments. The company offers a range of products for men, women and children. The company is engaged in the manufacturing, distribution and marketing of jockey products. The company holds license of Speedo, an international brand for swimwear. The Jockey brand is available in over 1400 cities and towns. The company's Jockey brand products are sold through exclusive brand outlets ebo large format stores lfs multi brand outlets mbo traditional hosiery stores and multi purpose stores spread across india the company has approximately 4 ebo in the united arab emirates and over 1 ebo in sri lanka the speedo brand is available in approximately 1060 stores including over 150 एल एफ एस एक्रॉस अप्रॉक्सिमेटली वन हंड्रेड टेन सिटीज एंड ओवर नाइन ईवीओज इट ऑपरेट इट्स ओन ऑनलाइन स्टोर ट्रिपल डब्ल्यू जॉकी इंडिया डॉट कॉम जिसको कि मैंने आपको शो कर दिया है इसी वीडियो में जॉकी इंडिया की वेबसाइट को इट्स प्लांट्स आर लोकेटेड इन बेंगलोर इनका जो प्लांट है बेंगलोर में बना हुआ है हासन एंड मैशूर एमंग अदर्स तो यहां पर इनके प्लांट सिचुएटेड है इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है पेज इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुंदर गेनोमल है इन इन इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी फाउंड हुई थी वो है 1994 इसका मतलब जो है इस कंपनी को 27 इयर्स हो चुके हैं पुरानी कंपनी है एन सिंबल है पेज आई के नाम से ये जॉकी के कुछ लोगों हैं पेज इंडस्ट्रीज का भी लोगो है जॉकी के भी लोगो हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है 47.91% की फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी तगड़ी होल्डिंग है इसमें 23.73 की और म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा खासा इसमें इसमें इन्वेस्ट करके रखा है 13.18% तो शानदार स्टॉक है म्यूचुअल फंड्स जिस जो इसमें निवेश करके रखे हैं वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड इसकी होल्डिंग है 5.15% पॉइंट वन फाइव एसबीआई मैगना मिड कैप की 4.66% पॉइंट टाटा मिड कैप की 2.64% परसेंट और कनारा रोब को कंज्यूमर ट्रेंड की 2.33% परसेंट की इसमें होल्डिंग है तो अगर आप भी पेज इंडस्ट्रीज स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका स्टॉक जो है या शेयर प्राइस इतना महंगा है कि आप एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं फिर भी आप अपने पोर्टफोलियो का फाइव परसेंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या एक ही स्टॉक खरीद के रखेंगे तब भी आपके लिए अच्छा होगा इस स्टॉक में एफ एन ओ में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज ऑप्शन चेन इस तरह से है टॉप पेज इंडस्ट्रीज ऑप्शन ये 27 जनवरी 22 की ऑप्शन है पेज इंडस्ट्रीज 51,500 कॉल इसमें इसका करंट मार्केट प्राइस जो है थ्री हंड्रेड थर्टी वन है पेज इंडस्ट्रीज फिफ्टी वन थाउजेंड कॉल इसकी करंट मार्केट प्राइस है थ्री थाउजेंड सिक्सटी सिक्स पेज इंडस्ट्रीज फिफ्टी टू थाउजेंड पुट इसमें अभी कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है पेज इंडस्ट्रीज फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पुट इसका करंट मार्केट प्राइस है टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर पेज इंडस्ट्रीज फ्यूचर देख लीजिए ट्वेंटी सेवन जनवरी ट्वेंटी टू फ्यूचर इसका करंट मार्केट प्राइस है फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी वन और इसमें फोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट की तेजी है पेज इंडस्ट्रीज फ्यूचर ट्वेंटी फोर इसका करंट मार्केट प्राइस है फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड फोर और फोर पॉइंट फाइव जीरो परसेंट की इसमें तेजी देखी जा, देख जा रही है और ये पेज एंड स्टेज का फ्यूचर जो है 31 मार्च 2022 का फ्यूचर जो है 44,358 पर ट्रेड हो रहा है और इसमें 7.41 परसेंट की तेजी देखी जा रही है इवेंट्स देख लेते हैं कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था 17 नवंबर 2021 को और इस डिविडेंड की राशि थी वन हंड्रेड जो कि अपने फेस वैल्यू का फिफ्टीन है तो ये कंपनी जो है एक साल में चार बार डिविडेंड दे चुकी है जो कि बहुत अच्छी बात है इसने इतनी बार डिविडेंड दिया है 18 अगस्त 21 को इसने डिविडेंड दिया था फिफ्टी रुपीज का जो कि अपनी फेस वैल्यू का 500 परसेंट है ट्वेंटी सेवन फरवरी ट्वेंटी को इसने डिविडेंड दिया वन फिफ्टी का और जो कि अपनी फेस वैल्यू का फिफ्टीन है नाइनटीन नवंबर ट्वेंटी को इसने डिविडेंड दिया हंड्रेड जो कि वन है इसकी फेस वैल्यू का न्यूज देख लेते हैं अगर स्टॉक में किसी प्रकार की न्यूज आ रही है तो यहां पर एक न्यूज है मनी कंट्रोल प्रो पेज इंडस्ट्रीज इन फोकस हियर इज वाई तो सीएनबीसी तो, की रिपोर्ट है पांच दिन पहले ही आई है और मनी कंट्रोल प्रो ने इसको हाईलाइट किया है कि पेज इंडस्ट्रीज इन फोकस हियर इज वाई तो पेज इंडस्ट्रीज स्टॉक अभी फोकस में है और क्यों है मैं आपको बता रहा हूं कि ये फोकस में क्यों है इसमें क्या ऐसी न्यूज है जिससे स्टॉक को फोकस में रखा है मनी कंट्रोल प्रो पेज इंडस्ट्रीज इन फोकस एयर इज वाय इन मनी कंट्रोल प्रो आइडियाज फॉर प्रॉफिट भारत ज्ञानी ऑफ मनी कंट्रोल डॉट कॉम टॉक्स अबाउट अ स्टॉक दैट इज ट्रैकिंग क्लोजली पेज इंडस्ट्रीज द कंप्लीट प्लान्स टू ओपन 150 फिफ्टी

420 मिलियन पीसेस ओवर द नेक्स्ट थ्री इयर्स एंड इट आल्सो एम्स टू रीच द रेवेन्यू ऑफ यूएस डॉलर 1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स व्हिच इंडिकेट्स हेल्थ डबल डिजिट ग्रोथ ग्रोथ तो इसमें डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है और ये अपने बिजनेस को बहुत ही एक्सपांड कर रहे हैं ये ऑफलाइन स्टोर आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं वन टू टू और जो है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और ये अपने रेवेन्यू को यूएस डॉलर वन बिलियन तक ले जाएंगे अगले पांच सालों तक द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग 72 टाइम्स इट्स एफ आई एस्टिमेटेड अर्निंग्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन एट द स्टॉक तो मनी कंट्रोल प्रो की रिपोर्ट है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं भविष्य में उनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है जैसा कि अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत अच्छी है अगर अभी तक आपने पेज इंडस्ट्रीज के शेयर्स नहीं खरीदे हैं तो ये खरीदने का आपके लिए अच्छा मौका है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाइए लॉन्ग तर, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए तीन से पांच साल तक आपको निश्चित रूप से अच्छा खासा मुनाफा होगा तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इसी तरह के स्टॉक और शेयर्स के वीडियो और उसमें खरीदी और बिक्री के सलाह जो है मुफ्त में दी जाती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को हिट करिए वीडियो को लाइक जरूर करिए अपनी क्यूरिज को हमें कमेंट करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो